हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैफ दीपक कुकिंग फटाफट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए कुछ खास नया लेके आया हूं। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का सासलिक। इंग्रेडिएंट तो आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। अब हम आगे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। प्याज को 1x4 काटेंगे और इसके हम क्यूब्स निकाल लेंगे आराम से। आप इसी तरह इसके क्यूब्स निकालें और बारी बारी सारे प्याज के क्यूब्स निकाल लें। उसके बाद आप रेड कैप्सिकम ले सकते हैं। कलरफुल लगता है और अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यूज़ करें, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो डिश में कलर आएगा और थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। आप इसी तरह सिंपल तरीके से कैप्सिकम को काटें और इसको भी सेम जैसे हमने प्याज के क्यूब्स निकाले थे ऐसे ही आपको इसके क्यूब्स निकालने हैं। सिंपल तरीके से बिल्कुल निकालेंगे, कोई भी इसमें कोई खास वेस्टेज भी नहीं दिखानी है और इसको आप आराम से इसके क्यूब बना लें। ऐसे हम येलो कैप्सिकम लेंगे, इसके भी हम सेम क्यूब निकालेंगे। और लास्ट में ग्रीन वाले लेंगे और सेम इसके भी हम क्यूब निकालेंगे। दैट्स इट, हमारे क्यूब्स तैयार हैं। अब हम पनीर सासलिक के लिए पनीर काटेंगे। पनीर को हम क्यूब साइज में काटेंगे जैसे हमने शिमला मिर्च भी काटी थी। ज़्यादा मोटा क्यूब नहीं काटना चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा क्यूब काटेंगे तो कल को जब हम इसे मैरिनेशन में लगाएंगे सो इसके अंदर मसाला नहीं जाएगा। तो मसाला अच्छे से जाए तो पतले ही क्यूब काटें। बस इतने ही क्यूब चाहिए हमें। आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, आराम से आपसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ज़्यादा पनीर की अगर मोटा मोटा रखेंगे तो इसके अंदर मैरिनेशन नहीं जाएगा। पनीर को किसी फ्लैट आप प्लेट पर रख सकते हैं ताकि इसमें ईजिली हम मसाला स्प्रेड कर सकें। सबसे पहले हम सॉल्ट डालेंगे। रेड चिल्ली, और थोड़ा सा गरम मसाला। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। बाकी इतना ही काफ़ी होता है। अब हम पनीर टिक्का का मेन मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 चम्मच दही लेंगे। उसके बाद इसमें हम गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाला है हमने। उसके बाद इसमें आप डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और लगभग 1 चम्मच आप इसमें सरसों का तेल डालेंगे। मैं इसमें 2 चम्मच डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा और शाइनिंग आए इसके अंदर। फाइनली आप इसके अंदर
थोड़ी कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसका फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब फाइनली हम इसको विस्क करेंगे अच्छे से, यही फाइनल मैरिनेशन होती है। आप इसको बस फाइनली इसके जो हमने पनीर टिक्का मैरिनेशन करके रखा है इसके अंदर मिलाएंगे और ये लगभग तैयार है। अब हमारा पनीर का मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर जो हमने पहले से पनीर को फर्स्ट मैरिनेशन में रखा था, अब हम इसको आगे के फाइनल प्रोसेस में लेंगे और इसको हम मैरिनेशन में डालेंगे। हम सारे क्यूब्स इसमें डाल लेंगे और जो दोस्तों हमने कटिंग करके रखी थी वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे ताकि हम इसको इसके साथ ही मैरिनेशन में ला सकें। फाइनली अब हम इसे सॉफ्टली इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। बिल्कुल सॉफ्टली करना है ताकि पनीर टूटे ना। और फाइनली इसको हम इसको स्कीवर में लगा देंगे ग्रिल करने के लिए। आप इसको कॉम्बी ओवन में ला सकते हैं। अगर आप इसे कॉम्बी ओवन में लगाएंगे तो आपको टेम्परेचर 235 और अराउंड आपको चाहिए होगा 250 के आसपास चाहिए होगा ताकि ये आराम से ईजिली उसमें रोस्ट हो सके। और आप इसको उसके अंदर 5 से 6 मिनट सिर्फ रखेंगे। हम इसे ग्रिल करेंगे स्कीवर में लगाएंगे और फाइनली ये तैयार है। और अगर आपको इसको तवे पे सेकना है तो आप तवे पे सेक कर भी इसको बना सकते हैं। देखिए अब हम इसको स्कीवर पे लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पनीर लगाएंगे, फिर बेल पेपर हम इसमें लगाएंगे। बड़ी इजीली इसमें लगाने हैं। हमने 3 तरह के पेपर हमने इसमें यूज़ किए थे तो वैसे ही हम इसे लगाएंगे। रिपीट करेंगे पनीर, उसके बाद में फिर हम इसमें पेपर से गाना लगाएंगे। तीन तरह का अगर पेपर लगाते हैं तो बहुत कलरफुल लगता है, इसलिए हम 3 तरह के पेपर इसमें यूज़ करेंगे। अब हमारे स्कीवर रेडी हैं, अब हम इनको ग्रिल करेंगे। नॉर्मल ग्रिलर हमने इसे यूज़ किया है। आप मार्केट में आने वाले कोई भी ग्रिलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आप इसको कॉम्बी ओवन में भी बना सकते हैं और आप इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं। अब हमारा पनीर सासलिक बिल्कुल तैयार है। आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है। अब फाइनली हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए ये पनीर सासलिक हमारा बिल्कुल तैयार है। हमने बिल्कुल इसको ईजी और होममेड तरीके से बनाया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कई नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू।